दोस्तों मैं गोविंद मानी एक बार फिर आप सभी का बीएसटीसी की लेटेस्ट जानकारी के साथ में मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बीएसटीसी 2024 में प्रवेश में असफल रहे विद्यार्थियों के लिए जो रिफंड शुल्क है वो लौटाने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं वो आज से शुरू हो गए है। तो दोस्तों इसकी अंतिम डेट क्या रहेगी, रिफंड फीस कितनी आती है और रिफंड का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा था। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं और तो दोस्तों आप देख सकते हैं बीएसटीसी रिफंड फॉर्म के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। परी डीएलएड परीक्षा 2024 में प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीयन शुल्क राशि लौटाने हैं, तो जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो इस प्रकार से है। परी डीएलएड परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग पंजीयन शुल्क एवं प्रवेश शुल्क राशि लौटाई जानी है। रिफंड हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने पर रिफंड की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अधिकृत वेबसाइट परी डीएलएड राज 2024.in पर रिफंड हेतु आवेदन दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है। आज से ही 3 अक्टूबर 2024 से ही, आज की डेट से ही इसका रिफंड फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किया जा रहा है। अभ्यर्थी के माता पिता इन तीनों में से किसी एक का खाता विवरण स्वीकार किया जाएगा, यानी कि अभ्यर्थी का खाता, अभ्यर्थी के माता पिता का खाता स्वीकार किया जा सकता है। अभ्यर्थी रिफंड राशि आवेदन हेतु निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखें। अब आप देख सकते हैं इसके जो तथ्य है वो इस प्रकार से है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को राशि रिफंड किया जाना संभव नहीं है, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करते और रिफंड राशि के लिए आप वेट करते हैं तो आपको रिफंड राशि आपको नहीं दी जाएगी। उसके साथ में रिफंड हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को शुल्क में निम्न अनुसार कटौती कर रिफंड किया जाएगा। जो शुल्क में कटौती की जाएगी वो इस तरह से है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन नहीं हुआ है उनके द्वारा जमा शुल्क में से 100 रुपये काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान का आवंटन हुआ है परंतु उनके द्वारा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं की गई है, ऐसे अभ्यर्थियों के जमा शुल्क में से 500 रुपये काट करके शेष राशि रिफंड की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो गलत तथ्यों एवं मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने के अर्जित योग्यता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत कैटेगरी में अपने आप को पंजीकृत करने इत्यादि के आधार पर प्रवेश योग्य और योग्य घोषित हुए उनकी पंजीयन शुल्क ₹3000 काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। तो दोस्तों जो रिफंड राशि का जो देख सकते हैं रिफंड राशि की जो पॉलिसी है वो इस प्रकार से है। रिफंड आवेदन में उन्हें रिफंड राशि हस्तांतरित हेतु बैंक खाता विवरण अपडेट करना होगा। इस हेतु वे अपना स्वयं का, माता पिता तीनों में से एक बैंक खाता विवरण को अपडेट करना होगा, अन्यथा रिफंड कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये तो है रिफंड करने के लिए जो महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो इस प्रकार से। अब रिफंड कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों उसके लिए आपको परी डीएलएड राज 2024 इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। अब जैसे ही इस पर आ जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अप्लाई फॉर रिफंड इस पर आपको जाना होगा। अप्लाई फॉर रिफंड पर जाने के बाद में आपके सामने इस तरह का एक रिफंड पोर्टल जो पेज है वो ओपन हो जाता है, परी डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 रिफंड पोर्टल। सबसे पहले अपने रोल नंबर फिलअप करना है, उसके बाद में फॉर्म नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके आपको प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने बैंक खाता विवरण अपडेट करने के बाद में बैंक डायरी आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो रिफंड फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह अपने बीएसटीसी का जो रिफंड फॉर्म है वो भर सकोगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।